मैं हमारी माता भगिनियों को भी बताना चाहूँगा कि आपके घर में जो चीनी आती है वो सबसे महंगी होने का कारण ये भी है, जैसे हमारे कॉलर ने अभी बताया कि चीनी का बहुत बड़ा उपयोग इस कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, तो नेचुरली इतने करोड़ों लीटर के सॉफ्ट ड्रिंक बनने के लिए करोड़ों किलो चीनी का भी उपयोग होता है, और वो चीनी आपके किचन से उठकर इसको महंगे दाम पर ये खरीद लेते हैं। चीनी मिलों को भी बड़े बड़े क्लाइंट मिल जाते हैं और वहाँ भी काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग का काला पैसा एडजस्ट हो सकता है। ऐसे में आपके लिए ये वहाँ भी घाटे का सौदा है। अगले कॉलर, नमस्कार, हेलो, नमस्कार सर। सर, बोलिए। पहले तो मैं सहदेव से धन्यवाद देना चाहूंगा, सुदर्शन न्यूज की टीम को। धन्यवाद। इतनी अच्छी मूवी उन्होंने जो छेड़ी है। सर, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ भी रामदेव बाबा ने इसमें कई बार इसको इसके खिलाफ बोला है, बिल्कुल। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो ये थोड़ा बहुत गलत है। सर, ये अभी एक न्यूज छपा था, कितना हेक्टेयर भूमि को इस चीज से हुआ है। ये भूमि के अंदर जो गति है, भूमिगत जो वो पानी छोड़ते हैं, हाँ उसमें कितना लॉस है उन लोगों को, वहां के किसान लोगों को, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल सही कह रहे आप, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है। तो सर, बिल्कुल आज रेडियो से आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया है। बिल्कुल। धन्यवाद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और हम कहेंगे कि इसके कई बड़े परिणाम आपके सामने आ चुके हैं। हम नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है आपके सामने। पेप्सी और कोक जैसी विदेशी कंपनियां देश का धन लूट रही हैं। ये पेय पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। जहाँ जहाँ कंपनियों के प्लांट हैं, वहाँ का भूजल स्तर काफी कम हो गया है। इससे पीने के पानी की कमी आ रही है और पेड़ों को भी पानी नहीं मिल पा रहा और वो सूख रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों के दोहरे मापदंड, विदेश के लिए अच्छी क्वालिटी का पेय बनाना और भारत में कीटनाशक और रसायन वाले कोल्ड ड्रिंक्स देना। पेप्सी और कोक से घरेलू उद्योग, रस बेचने वालों के काम पर प्रभाव पड़ा है। उनको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोक और पेप्सी टॉयलेट क्लीनर का काम करते हैं, साथ ही बैटरी वॉश के काम में भी आता है। यह है, और इसके साथ मैं आपको एक सूत्र भी इसका बताना चाहूंगा कि जो हमारा पानी होता है जिसमें सारे चीज़ें मिली होती है, और शुद्ध पानी माना जाता है कि जो पीएच जिसका मानक है मोजने का, काउंट करने का, अगर कोई रसायन शास्त्र का विद्यार्थी है तो समझ सकता है, 7 से 8 का जो पानी होता है इसको शुद्ध पानी माना जाता है। अगर इसमें आप जैसे जैसे कोई प्रदूषित चीज़ों को डालेंगे, केमिकल को डालेंगे, तो इसका मानक घटता घटता जाता है। आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि जो गंगा नदी बह रही है या यमुना दिल्ली से बह रही है, इसमें पानी पीने लायक है ये समझने के लिए उसका जो पीएच नापा जाएगा, जो पीएच मीटर होता है, सामान्य मीटर होता है, जैसे दूध की डिग्री को लिया जाता है, पानी उसमें डाल के आप देख सकते हैं। ऐसे पानी को अगर हम यमुना के पानी को ले ले या गंगा के पानी को ले ले, तो इसका पीएच स्तर कभी कभी 3 तक या 4 तक चला जाता है। मतलब माना जाता है कि ये पानी अभी पीने लायक नहीं है। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर दिल्ली के अहमपूर्ण इलाके में जहां से यमुना का पानी जाता है उसका पीएच गिर गया था, पीने लायक नहीं रहा था, इसलिए दिल्ली में पानी की आपूर्ति रोकी गई थी। वो स्तर था 4। लेकिन जब आप केमिकल ये पेप्सी और कोक का पीएच देखेंगे तो होता है 2.5, मतलब पीने लायक बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी पिलाया जाता है। हमारे देश के नेता, सरकार और अन्न मंत्री इसको परमिशन देते हैं, कैसे ये बड़ा राज है, क्योंकि यही कंपनियां जब यूरोप में, अमेरिका में अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो वहां पर इनका स्तर 7 के ऊपर होता है। मतलब ये भारत में जो बेचा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक, वो दूसरे तीसरे दर्जे का नहीं, बल्कि इतने गिरे हुए दर्जे का दिया जाता है कि जिसको शायद जानवर भी पी नहीं सकते। आपका पानी पीने वाला जो भी जानवर होगा, या आपके जैसे कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, आप इनके सामने पेप्सी कोक को डालिए, ये पीते हैं क्या, देखिए, ये भी नहीं पिएंगे, लेकिन आप और हम पीते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर उसका ऐड करता है, सौरभ गांगुली उसका ऐड करता है, शाहरुख खान उसको आपको आकर बताते हैं, और आमिर खान सोशल नेटवर्क या सोशल काम करने का नाटक करने वाले ये अभिनेता आपके सामने कोका कोला की, पेप्सी की एड लेकर आते हैं। आइए एक कॉलर से बात करते हैं, आप भी आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार,
सर आज से 2-2.5 साल पहले हमारे देश में पेट्रोल की कीमत 40 रुपए लीटर थी और सरकार का ये तर्क है कि सर कच्चा तेल बाहर से आता है और ये कोल्ड ड्रिंक आज से 2-2.5 साल पहले 8 रुपए में मिल रही थी, आज 12 से 13 रुपए में मिल रही है। तो इसका क्या कारण है कि वो जो कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये बाकी का जो इधर का जो 5 रुपए 8 की जगह 13 रुपए में कोल्ड ड्रिंक बिक रही है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन अब इतने गिर चुके हैं कि लोगों को जहर पिलाकर बिल्कुल अपनी बैलेंस बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। इनके पीछे भी कई तर्क है, आपको याद होगा कि जब इन कंपनियों को भारत में आने के लिए अनुमति दे देगी तो तब कहा गया था कि भारत में एक स्वस्थ स्पर्धा होगी, एक व्यवसायिक स्वस्थ स्पर्धा के बाद दाम गिरेंगे और उसका अंतिम फायदा उपभोक्ता को होगा अर्थात पीने वाले को होगा। लेकिन जब पेप्सी कोक भारत में आए तब ये 3 रुपए में बिकते थे, भारत के स्वदेशी जो ब्रांड थे वो 2 से 2.5 रुपए में अपने प्रोडक्ट को देते थे, थम्सअप भी यहाँ पर बनता था। लेकिन आपको याद होगा कि इन्होंने भारत में आने के बाद सबसे पहले अगर कुछ किया तो जितने छोटे छोटे प्लांट इस देश में चल रहे थे उन प्लांट को खरीद लिया, उस ब्रांड को खरीद लिया और खरीद के क्या किया, बंद कर दिया। बंद इसलिए किया कि कोई कॉम्पिटिटर इनके सामने टिक नहीं पाए, इनका आर्थिक साम्राज्य इतना बड़ा है, इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कितनी भी बड़ी कंपनी को बंद करवा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनका बजट भारत सरकार के बजट के टक्कर का होता है। ऐसे में ये कंपनियां हमारे यहाँ पर कितना क्या कर सकती है आप समझ सकते हैं। कुछ पैसों के लिए राजा अगर स्पेक्ट्रम बेच सकता है तो आपका हमारा ये स्वस्थ शरीर हमारे देश के नेता क्यों नहीं बेच सकते, और ये बेच रहे हैं, इसका ये परिणाम है। और आगे के परिणाम पर नजर डालते हैं क्या क्या है। देश के पैसे का नुकसान बंद होगा और वह विदेश जाने के बजाय देश के काम आएगा। किसानों और रस का व्यापार करने वालों को काम मिलेगा और उनकी आर्थिक तंगी कम होगी। पर्यावरण का नुकसान बंद होगा और जल की जो बेवजह बर्बादी होती है वो कम होगी। लोग नकली पदार्थों के स्थान पर प्राकृतिक फलों का रस पिएंगे। स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंच रहा है वह बंद होगा। एक कॉलर से बात करते हैं, हम कहेंगे कि कम शब्दों में आपने बात को रखे। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये बता दे इसको बनना ही बंद करवाओ ना, कम से कम कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो कि ये बनना ही बंद हो जाए। बिल्कुल, इसका एकमात्र फॉर्मूला है देश की जनता आवाज उठाए, देश की जनता आवाज उठाए। दूसरा ये जैसे तंबाकू वगैरह, ये गुटखे वगैरह, ये सब साले बिकते हैं बाजार में, इन पर बनने में ही रोक लगनी चाहिए ना इन पर। बिल्कुल सही कहा आपने, हम उस विषय को भी मुहिम के तौर पर आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आज हम आपके सामने विषय लेकर आए इन सॉफ्ट ड्रिंक का, इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर सॉफ्ट ड्रिंक का ये इसके साथ में एक थोड़ा सा फॉर्मूला ये भी होना चाहिए कि थोड़ा सा ये भी सजेस्ट करें आप कि भाई इसकी बजाय इसको पियो, जैसे डाबर का ये जूस वगैरह आता है, मैंगो वगैरह शेक वगैरह आता है, तो कम से कम ये इससे तो बढ़िया है ना, ये जो देखिए बाथरूम क्लीनर करता है उसको पीने से क्या फायदा। बिल्कुल किशन जी, मैं आपको यहाँ पर सूची बताने की जरूरत नहीं, हमारे देश के सारे लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। छाछ से लेके मैं, अगर मुझे याद है ऐसी 250 से बड़ी लिस्ट है कि जो इनके जगह पर हम पी सकते हैं। सबसे बड़ी बात अगर आप करेंगे कि नारियल पानी जो है, अगर हम नारियल पानी पीना शुरू कर दें तो वो भी कितनी बढ़िया चीज है। लेकिन ये है ना चीज बनवाती है ये गवर्नमेंट और ये उसको बनना बंद करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। बिंदास बोल रहे, हम बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बोलिए, आप बिंदास बोलिए। लाइन तो दीजिए आप, हम आप लाइन में जुड़ चुके हैं। यूसुफ भाई आप लाइन पे जुड़ चुके हैं, बोलिए। सलामकुम। हाँ बोलिए। ऐसा है हम सऊदी से बोल रहे हैं। हाँ हम सऊदी से बोल रहे हैं, हमारा जो है यहाँ सऊदी। बोलते रहिए आप। हम सऊदी से बोल रहे हैं, हमको यहाँ परेशान बहुत किया जाता है। हाँ। हमारा एमबीसी वाले भी बहुत परेशान करते हैं विकास बोल में। अच्छा, हम आपके समस्या को यहाँ बुलाते हैं सऊदी में और उसके अंदर ना तो अकाउंट में पैसा ले लेते हैं, सब कुछ पैसा ले लेते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं यहाँ के लोग, और एमबीसी हमारी जो है कोई काम नहीं करती है यहाँ।
तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? यूसुफ भाई, आप इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद फोन करिए। आपको आपके लिए बताता हूँ कि पिछले दिनों शारजा में और बाकी कुछ गल्फ के कंट्रीज में जो ऐसे कुछ मैटर हो रहे थे वो हमने उठाए थे और भारत सरकार ने उन लोगों को यहाँ पर वापस भी लाया था। हम आपके समस्या पे भी काम करेंगे। आप इस कार्यक्रम के बाद फोन करिए, हम आपको कहेंगे कि अगर आपके ऐसी समस्या है जिसको सुदर्शन उठाए ऐसा आपको लगता है तो बिंदास बोल खत्म होने के बाद आप इन्हीं नंबरों पर या कभी भी अपनी समस्या बता सकते हैं, हम उनको भी उठाएंगे। आज हम आपके सामने समस्या लेकर आए हैं हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, साथ में अर्थव्यवस्था की और सारे प्रकार पर प्रभाव करने वाली इस पेप्सी कोक की। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं महेंद्र प्रसाद बर्थवाल बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। बोलिए महेंद्र। हाँ जी, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट लाइक पुटिंग बैन ऑन कोका कोला। इट्स बिकॉज रियली इट्स नॉट ओनली हार्मिंग योर लाइक योर बॉडी एज वेल एज योर माइंड ऑल्सो। या सो लाइक आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू महेंद्र प्रसाद जी, थैंक यू। आप भी इस मुहिम में सहभागी हो सकते हैं इस कार्यक्रम में, नहीं तो आप अपने दोस्तों को भी रोकिए। पहले सबसे पहले अपने आप से शुरू करिए। मैंने राजीव दीक्षित का भाषण सुना था जब मैं 11वीं कक्षा में जाता था कोपरगांव में महाराष्ट्र में। मैंने इस भाषण को सुनने के बाद तब से लेकर आज तक पेप्सी को कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पिया है, मुझे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है ना पीने का। आप भी करके देखिए, आप भी पाएंगे कि आपको इसका फायदा ही होगा। अपने से शुरू करिए। हम जिस बैठकों में कार्यक्रम में जाते हैं वहां पर भी इनको ना लेने का आग्रह करिए। अपना दायरा फैलाते जाइए, अपने आप इनको आपके जीवन से बाहर कर पाएंगे और नेचुरली ऐसा सब लोग करेंगे तो ये भारत से भी बाहर हो जाएगी। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये जो पेप्सी के जो आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो कंपनियां बनाती हैं, जो हाँ, देश बनाते हैं, हाँ, क्या वो खुद इसको पीते हैं? बिल्कुल नहीं पीते। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन देशों में ये कंपनियां अलग दर्जे का प्रोडक्ट देती है। नहीं वो ठीक है, उसके बावजूद क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है? ये सबको पता है, मालूम नहीं है? सबको पता है, ये कितना पैसा मिलता है पेप्सी वाले, अमेरिका वाले जो भी इनको बनाते हैं, बिल्कुल वो इनको कितना पैसा देते हैं हमारे नेताओं को। हेलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस देश में इसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी, उसके सुझाव के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी नेताओं को जो अभी मॉडर्न कंट्रीज में हो रहा है, हाँ, उठा करके इनको जो जूत मार करके इनको मार पिटाई हो रही है नेताओं को, बिल्कुल ऐसा रिवॉल्यूशन हिंदुस्तान में होना चाहिए। पेप्सी पियेंगे तो जरूर नहीं होगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। पेप्सी खुद पीने वाला देश पेप्सी को परमिशन देने वाले सरकार और विपक्ष के खिलाफ कैसे बोल सकता है? उसमें हिम्मत आनी चाहिए। आपकी मुट्ठी की ताकत ही पेप्सी पूरी निकाल के जा रही है, ये तो नपुंसक बनाती है व्यक्ति को। इसको पीकर आप क्या रिवॉल्यूशन करेंगे? सबसे पहले इसको बंद करिए और फिर इस सरकार और इस देश या चुप बैठने वाले विपक्ष के खिलाफ भी आप बोल पाएंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी सर, ये कह रहा हूँ मैं आपको कि कंपनी तो जो कुछ कर रही है कर रही है, ये कोक में इसमें मिला रही है, मिलावट कर रही है, परंतु उसके जरिए जो प्राइवेट वाले ना, हाँ, वो भी उसमें मतलब प्राइवेट के मतलब छोटे छोटे मार्केटों में और कस्बों में मार्केट में और प्राइवेट कंपनी जहर मिला के उनको मार्केट में बेच रही है। बिल्कुल। हाँ मतलब ये है कि जहर मिला के इनको बेच रही है जो प्राइवेट कंपनी है वो छोटी छोटी कंपनी होती है बड़ी।